जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये कि दोस्तों सीआरपीएफ पैरामेडिकल की रिटर्न एग्जाम डेट आ गई है। इस वीडियो में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आपकी एग्जाम डेट क्या है, साथ ही दोस्तों आपका जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, साथ ही आपका जो सिलेबस रहने वाला है क्या सिलेबस रहने वाला है उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपका जो रिटर्न एग्जाम में सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है यदि आपको सिलेक्शन पाना है। उसके बाद दोस्तों हम आपको रिटर्न एग्जाम डेट बताने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर में दोस्तों आपका जो सिलेबस है वो पार्ट ए और पार्ट बी यानी कि दो पार्ट में डिवाइड है। तो पार्ट ए में दोस्तों आपका जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के दोस्तों 15 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी इंग्लिश में दोस्तों आपको किसी को एक को अटेम्प्ट करना होगा। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखते हैं सारा सिलेबस आपके सामने ओपन है। यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, उसके बाद दोस्तों जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, मैथ के आपके जो है 15 क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश के 15 क्वेश्चन। इस तरीके से दोस्तों पास पार्ट ए का जो सिलेबस है वो आपका पार्ट ए का सिलेबस खत्म होता है। पार्ट ए में दोस्तों 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। उसके बाद में दोस्तों पार्ट बी जो रहेगा वो आपका ट्रेड का रहेगा। जिस ट्रेड में दोस्तों आपने फॉर्म भरा है या आपने किसी भी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया हो, कुक से किया हो, वाटर कैरियर से किया हो या स्वीपर से किया हो, जिस ट्रेड में दोस्तों आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा उससे रिलेटेड दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि दोस्तों आपने स्वीपर ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है तो स्वीपर ट्रेड की जो बुक है वो हमारे पास आ गई है। यदि आप उसको बाय करना चाहते हैं तो आप सभी को दोस्तों 50 रुपये में प्रोवाइड कराई जा रही है। उसके साथ में दोस्तों आपको जो पार्ट ए का सिलेबस है 50 नंबर का उसकी भी बुक दोस्तों साथ में आपको फ्री प्रोवाइड कराई जा रही है। दोनों जो बुकें हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पार्ट ए की बुक है, लगभग 300 पेजों की दोस्तों ये ई बुक है, आपको इस साथ में फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद में दोस्तों दूसरी साइड में आप देख सकते हैं आपकी ये जो बुक है पार्ट बी की है, ये दोस्तों सारे ट्रेड के क्वेश्चन यानी कि स्वीपर ट्रेड के जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे सारे इस बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको दोस्तों यदि सही में सिलेक्शन पाना है या आपको सही में तैयारी करनी है तो सबसे ज़्यादा दोस्तों मैटर करेगा सिलेक्शन में आपका ट्रेड के क्वेश्चन। यदि आपने ट्रेड के क्वेश्चन की सही से तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और ये जो बुक हम आपको 50 रुपये में प्रोवाइड करा रहे हैं ट्रेड की, तो ये जो बुक है आपको सारे जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं उसको हल करने में बहुत मदद करेगी। इसमें दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लगभग 200 पेज का दोस्तों ये ई बुक है। आपको मात्र दोस्तों दोनों बुक ये जो है 50 रुपये में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यदि आप इन बुक को मार्केट से खरीदेंगे तो ये आपको जो है ट्रेड क्वेश्चन वाला करीब 300-350 रुपये का बुक आपको पड़ेगा और लगभग 200 रुपये का दोस्तों पार्ट ए का जो आपका बुक है वो पड़ेगा। करीब दोस्तों लगभग 350 और 150 आप प्राइस लगा सकते हैं, 500 रुपये में दोस्तों आपको ये दोनों बुक मिलेंगे। हम आपको मात्र ई बुक के फॉर्म में दोस्तों आपके जो बुक है 50 रुपये में प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि आपको इन बुक को बाय करना है तो आप हमसे टेलीग्राम पर दोस्तों मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर दोस्तों हम आपको जो है PDF फॉर्मेट में सेंड कर देंगे, आप पेमेंट करेंगे उसके बाद में ये बुक आपको मिल जाएंगे। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप तैयारी करें अपने ट्रेड के क्वेश्चनों की। आप मैं ये नहीं कहता कि हमसे बुक परचेज करें, कहीं से भी कर लें A to Z, लेकिन आपको जो फोकस करना है वो अपने ट्रेड पर करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर करेगा सिलेक्शन में ट्रेड, क्योंकि जो 50 क्वेश्चन ए पार्ट ए में है वो सभी तैयार कर लेंगे। मुश्किल रहेगा दोस्तों तैयार करना आपके पार्ट बी के क्वेश्चन। यदि आप पार्ट बी के क्वेश्चन तैयार रहते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। यदि आपको बुक चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। पेमेंट जो रहेगा दोस्तों वो ऑनलाइन माध्यम से आप जो है Paytm या गूगल पे किसी माध्यम से कर सकते हैं, 50 रुपये का रहेगा। पहले आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद में दोस्तों आपको ये जो बुक है दोनों बुक मिल जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम जो होने वाला है दोस्तों वो अगले मंथ आपका होने वाला है। हमारे जो सोर्स हैं हमने जहाँ से पता किया है उन्होंने बताया कि आपका जो एग्जाम डेट है वो अगले मंथ यानी कि अभी चल रही है अगस्त सितंबर में फिक्स किया गया है। डेट उन्होंने नहीं बताई है तो आप जो है आइडिया लगा सकते हैं कि सितंबर के किसी भी दिन आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जा सकता है। इसके जैसे ही ऑनलाइन एडमिट कार्ड आ जाएंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। फिलहाल दोस्तों आपका जो एग्जाम होने वाला है अगले मंथ होने वाला है, आप फिलहाल अपनी तैयारी में लग जाइए। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है,
10 नंबर के दोस्तों आपकी आपकी जिसमें जो है रीजनिंग आएगी, 10 नंबर की आपकी जो है जीके आएगी, 15 नंबर की मैथ आएगी, 15 नंबर की जो है आपकी हिंदी इंग्लिश आएगी। हिंदी इंग्लिश से किसी आपको किसी एक को करना होगा। और 50 नंबर के दोस्तों आपके जो है ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से 100 नंबर का आपका सिलेबस बनता है। बाकी यदि आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा। लगातार जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।